इंडिया की टेक्सटाइल्स ले लो, खाना ले लो, कुछ भी ले लो जो कल्चर से जुड़ा है, उसमें बहुत कैरेक्टर होता है। और हमारे को बड़ा अच्छा लगता है जब वो चीज जो होती है उसमें कैरेक्टर होता है, लेकिन जो लोग होते हैं ना जो चीज को बेच रहे होते हैं, जो उस चीज के शौकीन होते हैं, वो भी कैरेक्टर होते हैं। तो ऐसे हम एक कैरेक्टर से आपको मिलाते हैं, ये रमन वांझा जी, और इनकी कंपनी का नाम है वांझा करशनदास नाथाभाई एंड कंपनी। और ये एक बहुत स्पेशल जो है टेक्निक है टेक्सटाइल्स का, उसमें एक्सपर्ट है। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं, मेरा नाम मयूर है, मिल चुके हैं, और पीछे वो रोकी जी बैठे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं ग्राहक की सीट पे बैठा हूँ, तो ये जो जो बोलेंगे मैं उसकी डिमांड करूंगा यहाँ बैठ के। वो तो अभी हेड ऑफ द फैमिली हो गया, देखो बैठा है का गद्दी पे, गुल्लक पे बैठ गया जाके। गुल्ला उसके हाथ में ही है। अभी यहाँ पे बैठने का आपको 5 लाख रुपए लगेगा सिर्फ बैठने का, क्योंकि ये बहुत एंशिएंट आर्ट है, और मतलब यहाँ पे एंट्री लेने के लिए भी जैसे म्यूजियम है आपको बहुत पैसे भरने पड़ते हैं। क्या बात है। तो रमन भाई, ये एंशिएंट आर्ट तो इन्होंने बोल दिया, लेकिन इसकी हिस्ट्री के बारे में हमें बताइए, कितना पुराना है, कैसे पहुंचा यहाँ पर? ये 460 साल पुरानी बात कर रहे हैं जी, हमारे जाम साहब के जमाने में। तब तो हम भी पैदा नहीं थे, हमारे माँ भी कहाँ होगी, मेरे दादाजी कहाँ होंगे, नाथा भाई कहाँ होंगे। फिर उसके पहले की यही हिस्ट्री है, पर वो हमको सब लाए हमारे यहाँ के जो रॉयल फैमिली है जाम साहिब, जाम साहिब जामनगर के, इसको पहले बोलते थे स्टेट ऑफ नवा नगर, जो अभी बोल रहे हैं इसको जामनगर जी, वो लाए थे यहाँ पे। हाँ, वो लोग हमको कच्छ में से लाए। अच्छा, कच्छ। लेकिन ये जो टेक्निक है बांधने का, ये कच्छ से नहीं है, ये तो बहुत पुराना है, पुराना राजस्थान शिखर। अच्छा, राजस्थान शिखर। तो कहा जाता है कि 7वीं शताब्दी से बहुत आ रहा है। हाँ। तो मतलब ये पूरी इंडियन ट्रेडिशन है, प्योर इंडियन 100% इंडियन। क्या बात है। ये है सतीश जी यहाँ पर, और सतीश जी हमें दिखा रहे हैं एक ट्रेडिशनल साड़ी जो है, जो बहू के लिए होती है, और ये कहा 25,000 की आपने, 35,500। तो ये तो बड़ी छोटी साड़ी है। तो मतलब इसको देखने के लिए साहब, आपके लिए मतलब जो प्राइस है आपके लिए 3.5 लाख से शुरू होगा आपके लिए स्पेशल। अगर अगर आपकी बहू 12 इंच लंबी है तो ये तो साड़ी है उसकी। अच्छा, ये नीचे और भी साड़ी है, माफ कीजिएगा। मैं सोच रहा था इतनी सी साड़ी है, तो ये देखिए। और ऐसा ही पीस देखो, मेरी बात जो जिसके पास कम पैसा है उनके लिए एक 9,500 बार भी देखा, ऐसा ही आइडेंटिकल कॉपी पीस आता है वही मटेरियल में, कॉटन में, ये आएगा 9,500। तो एक ही चीज, एक ही डिजाइन, बिल्कुल एक ही डिजाइन, फर्क कैसे हुआ? वो क्यों है कि ये रियल जरी है, ये प्लास्टिक है। अच्छा, तो ये सोने के धागे से बना हुआ था। धागा भूल जाओ मेरे भाई। अच्छा। ये चांदी के ऊपर सिर्फ सोना लगाया हुआ है, पाउडर जैसा लगाते है ना, वो चीज है। अरे सर, आप क्या बोल रहे हो उसको? नहीं, देखो आपके लिए हम स्पेशल बनाएंगे 3 करोड़ वाली, जिसमें प्लैटिनम और रियल सोना होगा। आप मांगने वाले बड़े बड़े साहब हो, आप यहाँ पे आए हो। जो बांधनी है, मैं आपको समझाता हूँ, और अगर मैंने कुछ गलत बोलो तो फिर रमन भाई तो है यहाँ पे। तो जो बांधनी टेक्निक है प्राइमरी सबसे अच्छा लगता है कॉटन पे, और ये बड़ा आर्टिजनल हैंडक्राफ्टेड टेक्निक है। तो बेसिकली इसको क्या लिया जाता है, कपड़ा लिया जाता है, उस पे डिजाइन पहले डाले जाते हैं, उसके बाद वो डिजाइन के ऊपर हाथ से पतले पतले धागे से गांठ मारी जाती है और नॉट मारे जाते हैं। वो नॉट और जो जो नॉटेड वाला जो कपड़ा है, इसलिए आप देखेंगे इसमें सारे ये खिंच है, उसको फिर छोटे छोटे टब्स में या बाल्टी में अलग अलग किस्म की उसमें डाइज डाली जाती है, और क्योंकि जो वो बांधा जाता है वहां पे वो डाई पेनेट्रेट नहीं करती है, इसलिए जहां जहां वो गांठ है जिस आपने पैटर्न में बांधा है, वो जब डाइंग खत्म हो जाती है तो वो पैटर्न जो है आपको बिल्कुल वैसे दिखेगा। इसलिए तो ये सारी जो देखिए, ये जो है ये यहाँ पे जो बांधी गई थी वहां पे लाल डाई नहीं आई है और वो सफेद है, लेकिन साउंड बड़ा सिंपल करता है। लेकिन इसमें आप सोचिए, क्योंकि आप बांध रहे हैं चीज, और आपको आपके दिमाग में रखनी है क्रिएटिविटी, ये आपकी है कि जब खुलेगी तो वो कैसे लगेगी। जैसे कि अभी वो खुल रही है, तो ये देखिए, ये देखिए। हाँ जी साहब, देखिए कितनी खूबसूरती है। मैं भी हेमा मालिनी से कम नहीं लग रहा है इस टाइम पर, दाढ़ी वाली हेमा मालिनी, लेकिन है हेमा मालिनी। तो ब्यूटीफुल कलर, और इसमें सिर्फ बॉर्डर जो है, जो पल्लू है बिल्कुल कोना जो है इस पे बांधने का प्रयोग किया गया है, तो इसकी कीमत थोड़ी कम होगी। 9,500 सेम। वाह क्या बात है। लेकिन कलर्स बिल्कुल ब्राइट है, बांधने का जो एक लग्जूरियस सा फील है, थोड़ी स्ट्रेची है। देखिए, है तो इतनी चौड़ी, लेकिन अगर मैं इसे खींचूं तो ये इतनी चौड़ी हो जाती है।
तो बांधनी ट्वाइस, अरे ये पूरी बांधनी, ये तो बड़ा अच्छा कलर है, मुझ में बहुत सूट करेगा। देखिए, और अगर आप कहीं फॉर्मल जा रहे हो किसी को मिलने के लिए, बड़े बुजुर्ग को, तो सिर पे जरूर से उड़ के जाइएगा। वाह ब्यूटीफुल, अच्छी लग रही हो ये, आपको अच्छी लगती है? बहुत अच्छी लग रही है। तो रमन भाई कितने की होगी? 9,500 की। आप क्या हजार कर रहे हैं? तो बड़े साहब आए जा, लाज से बात मत करो कम यार, क्या करो? वो रोकी है, मैं रमन हूँ यार। अच्छा, मेरे लिब्रा है दोनों। अच्छा, लेकिन आप ये देखिए, क्योंकि ये आर्टिजनल टेक्निक है, ये कमर्शियल नहीं है, कोई फिक्सिंग नहीं होती। इसकी जो है अहमियत, जो इसकी ये जो वैल्यू है, वो यही है कि आपको जो हर पीस होगा वो डिफरेंट मिलेगा। तो अभी तक हमें जो समझ आया वो ये है कि इंडियन टेक्निक है, बहुत पुरानी टेक्निक है, कारीगरी है, आर्टिजनल वर्क है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, कोई लार्ज स्केल पे फैक्ट्री में ये नहीं बन सकता। कपड़े को लेके, कॉटन के कपड़े को लेके, उसे एक तरीके से बांध के फिर डाई किया जाता है अलग अलग तरीके से, और जब खोला जाए तो एकदम सुंदर डिजाइन इसके निकलते हैं अलग अलग भिन्न प्रकार के। और इसके लिए आपको चाहिए बहुत ज्यादा स्किल, जो आज जामनगर में मौजूद है, क्योंकि जो जाम साहब थे यहाँ पर कई 100 साल पहले, वो वहां से आर्टिजन को लेके आए थे राजस्थान से। सर क्या बात है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, देखिए सर। हमारे रॉयल फैमिली की चीज है, उसने वही पकड़ी, तुमने अच्छा? नहीं पकड़ा, रोकी सर, ये हमारे रॉयल फैमिली अजय साहब आते हैं ना, तो वो दे प्रिफर दिस मटेरियल। क्या बात है, डोंट वांट दैट सील्क एंड अदर थिंग। तो ये मटेरियल क्या है? ये जॉर्जेट, पर प्योर, 100% प्योर, जॉर्जेट प्योर। आई एम गॉर्जियस इन जॉर्जेट सर। ये कई पुश्तों से ये लोग रॉयल फैमिली के कपड़े धोते आए हैं इनके खानदान में, तो इनको पता है कौन से कपड़े ज्यादा अच्छे होते हैं। ये हीरो ही है सर। देखो सर, ये मजाक मेरा उड़ रहा है, धोने की बात कर रहा हूं, मैं इसकी धुलाई करता हूं। हमारा अक्षय कुमार है ये। तो मतलब मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं साड़ी नहीं, तो साड़ी तो मैं पहन नहीं सकता आजकल, साड़ी पहनना ही नहीं, मैं न्यू फैशन हो गया हूँ, मैं स्कर्ट वगैरह पहनता हूँ। वही वही। लेकिन ये देखिए बांधनी कैसे की जाती है। ये बांधा है, ये धागा मैंने निकाला, और ये तो पूरा का पूरा ही निकल गया, तोड़ दिया। ये धागा मैंने निकाला, और ये देखिए कैसे बंधा हुआ यहाँ पर। तो इसे बांधेंगे और इसे खोलेंगे, और ये आ गया डिजाइन नीचे, देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन है, ये देखिए। तो ये है खासियत टाई एंड डाई की, बांधनी की, और बहुत खूबसूरत चीजें हैं यहाँ पर। हालांकि काश मैं ये साड़ी पहन सकता, लेकिन नहीं। तो मयूर सर आप इसको खत्म कीजिए। रमन भाई थैंक यू सो मच, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत प्यार से समझाया। हमारा ये पैसा है, धंधा है, पर आर्ट रखा है, वी आर नॉट गोइंग ऑन कॉमर्शियल लाइन।